हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए ऐसे 50 सवाल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे मल्टीपल ऑप्शन इसमें आपको दिए जाएंगे और ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो कि आप अगर सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं या वर्क करने जा रहे हैं तो इनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाएगी फ्रेंड तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फ्रेंड सबसे नंबर वन क्वेश्चन है वाटर सीमेंट रेशो इज द रेशो ऑफ जो कि आपको मालूम होगा वैसे फिर भी इसको ऑप्शन में आपको बता दूंगा ऑप्शन ए है वाटर टू सीमेंट वाई वेट ऑप्शन बी वाटर टू सीमेंट वाई वॉल्यूम ऑप्शन सी सीमेंट टू वाटर वाई वेट ऑप्शन डी सीमेंट टू वाटर वाई वॉल्यूम तो वाटर एंड सीमेंट रेशो जो होता है वो वाटर टू सीमेंट रेशो वाई वेट हमारा लिया जाता है यानी कि जो वाटर का वेट है और जो सीमेंट का वेट है उन दोनों का रीशो हमारा वाटर सीमेंट रीशो कहलाता है क्वेश्चन नंबर टू कॉन्क्रीट एज ऑप्शन ए वीक इन टेंशन बी स्ट्रॉन्ग इन टेंशन ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन ऑप्शन डी वीक इन कंप्रेशन तो कॉन्क्रीट का जो नेचर होता है वो हमारी जो टेंशन है उसमें वीक होती है यानी कॉन्क्रीट पे अगर टेंशन आती है तो वो उसको वेयर नहीं कर पाती इसलिए ऑप्शन ए वीक इन टेंशन इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थ्री है द इंट्रेंड एयर इन द कॉन्क्रीट ऑप्शन ए इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑप्शन बी डिक्रीज द रेजिस्टेंस टू वेदरिंग ऑप्शन सी इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑप्शन डी डिक्रीज द वर्केबिलिटी अगर हमारी कॉन्क्रीट में एयर इंटरेप्ट है इंट्रेंड एयर है या उसमें इस का जो कॉन्क्रीट डिज़ाइन किया है कि हमें उसमें वाइट जो है एयर एयरबर्ड्स है उसमें ज़रूरत पड़ रही है एयर बर्ड्स की तो ऐसी कंडीशन में हमारी कॉन्क्रीट कैसी हो जाएगी ऑप्शन ए इंक्रीज द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ऑप्शन बी स्ट्रेंथ यानी रसि, रसिस्टेंस बेहतरीन का जो रेसिस्टेंस है उसको कम कर देगी ऑप्शन सी इंक्रीज द वर्केबिलिटी या ऑप्शन डी डिक्रीज द वर्केबिलिटी तो ऑप्शन सी वर्केबिलिटी जो है कॉन्क्रीट की उससे बढ़ जाएगी क्वेश्चन नंबर फोर कॉन्क्रीट इज अनसुटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेशन इफ इट इज अगर कॉन्क्रीट में हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं वाइब्रेशन मेथड से तो ये कब अनसुटेबल हो जाती है नंबर ऑप्शन नंबर ए है सेमी प्लास्टिक ऑप्शन बी प्लास्टिक ऑप्शन सी अर्थ मॉइच या ऑप्शन डी ड्राई तो जब हमारी कॉन्क्रीट अगर सेमी प्लास्टिक है तब तो इसको आप कॉम्पैक्ट कर सकते हो प्लास्टिक है मतलब वो सॉलिड हो चुकी है तब तो आप इसमें वाइब्रेशन से कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते हो, फिर आप इसमें अगर प्लास्टिक सिचुएसन्स में आपकी कॉन्क्रीट है तब तो आपको रोलर कॉम्पैक्शन करने की आवश्यकता पड़ती इसलिए जो वाइब्रेशन कॉम्पैक्शन है वो प्लास्टिक स्टेज में अनसुटेबल हो जाता है नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन ऑप्शन वन ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट ऑप्शन टू सेप ऑफ एग्रीगेट्स ऑप्शन थ्री सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट्स ऑप्शन फोर सरफेस टेक्चर्स ऑफ एग्रीगेट तो कंक्रीट के जो स्ट्रेंथ है इन चारों ऑप्शंस में से किन पर डिपेंड करती है तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि जो चारों आंसर हैं ये चारों जो क्वालिटीज हैं एग्रीगेट्स की वो हमारी कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ को बेरी करती हैं या कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ पर असर डालती हैं इसलिए ऑप्शन डी वन टू थ्री एंड फोर सही आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन ऑर्डर टू अवॉइड सेग्रीगेशन फ्रेश कॉन्क्रीट शुड वी ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ यानी कि अगर हम कॉन्क्रीटिंग वर्क कर रहे हैं और उसमें सेग्रीगेशन को कम करना चाहते हैं अवॉइड करना चाहते हैं तो हमारा जो कॉन्क्रीट की फ्री फॉल हाइट होगी या जैसे आप पाइप से फॉल करा रहे हैं या जो आपको मिलर है मिक्सचर है उससे आप जो कॉन्क्रीट को पूर्व कर रहे हैं तो वो हाइट कितनी होनी चाहिए ऑप्शन ए लेस देन वन मीटर ऑप्शन बी लेस देन टू मीटर ऑप्शन सी मोर देन वन मीटर या ऑप्शन डी मोर देन टू मीटर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेस देन वन मीटर क्वेश्चन नंबर सेवन द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंक्रीट जो होती है वो वाटर की प्रेजेंस में जब हार्ड होती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑप्शन ए क्रीप ऑप्शन बी हाइड्रेशन ऑप्शन सी श्रिंकेज ऑप्शन डी क्यूरिंग तो इस प्रोसेस को क्योंकि कॉन्क्रीट जो होती है वो वाटर की प्रेजेंस में उसकी हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है जिससे कॉन्क्रीट है वो हार्ड होने लग जाती है हाइड्रेशन के प्रोसेस के कारण सीमेंट का सेटिंग होता है इसलिए सेटिंग होने से कॉन्क्रीट हार्ड होती है इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्शन बी हाइड्रेशन क्वेश्चन नंबर एट द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर मॉइस्ट इज कॉल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर को मॉइस्ट रखना या जिसमें नमी मेंटेन करना क्या कहलाता है ऑप्शन ए हाइड्रेशन ऑप्शन बी क्योरिंग ऑप्शन सी क्रीप ऑप्शन डी श्रिंकेज तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्योरिंग कॉन्क्रीट को मॉइस्ट रखना या उसमें नमी रखना कहलाती है हमारी क्योरिंग क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कॉन्क्रीट को कई बार हम चौदह दिन तक या मैक्मम अट्ठाईस दिन तक भी उसकी क्योरिंग करते हैं क्योंकि इससे हमारी जो कॉन्क्रीट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके और कॉन्क्रीट हार्ड हो सके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन है द सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सीमेंट मिक्सचर फ्रॉम द फ्रेशली लेड कॉन्क्रीट इज नोन एज अगर सीमेंट कॉन्क्रीट में से जो पानी है उसका सेपरेशन हो रहा है पानी का पानी उसमें से अलग हो रहा तो इस सिचुएशंस को क्या बोलते हैं ऑप्शन ए वर्केबिलिटी ऑप्शन बी सेग्रीगेशन ऑप्शन सी ब्लीडिंग या ऑप्शन डी क्रीप तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्लीडिंग जब कंक्रीट में से पानी अलग होने लगता है या पानी का एक्सेस वाटर हो जाता है तो पानी हमारा ब्लीड करने लगता है पानी कॉन्क्रीट में से एक कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू बाहर आने लगता है तो इस प्रोसेस को या इस सिचुएसन्स को हम बोलते हैं ब्लीडिंग क्वेश्चन नंबर टेन द कंटिन्यूअस स्ट्रेन विच द कॉन्क्रीट अंडरगोज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड मतलब ये है कि अगर हमारी सीमेंट कॉन्क्रीट की कोई स्लैब ले लीजिए या बीम ले लीजिए जब उस पर एक कंटिन्यूस लोड अप्लाइड किया जाता है काफ़ी लंबे समय तक तो हमारी जो कॉन्क्रीट है उस एक्सटर्नल लोड के कारण बैंड होने लगती है या प्रेसराइज उसमें प्रेशर इतना आ जाता है कि हमारे जो कॉन्क्रीट है उसमें आपको बैंड देखने को मिल जाते हैं या क्रीप्स या छोटे छोटे क्रैक्स देखने को मिल जाते हैं तो ये सिचुएशन है वो क्या कहलाती है तो इसका ऑप्शन है ए क्रीप बी ब्लीडिंग सी वर्केबिलिटी ऑप्शन डी सेग्रीगेशन तो इसका सही आंसर है क्रीप creep. क्रीपिंग मतलब क्या होता है जैसे आप एक एग्जांपल के लिए कोई आप बीम ले लीजिए बीम पर अगर आप कंटिन्यूस उसमें लोड देंगे और उसमें लोड जब इतना अधिक हो जाएगा कि उस लोड को बेयर करने के लिए जो कॉन्क्रीट है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी तो जो बीम है वो हमारे सेंटर से बैंड होने लग जाएगा उसमें बैंडिंग मोमेंट्स इतने बढ़ जाएंगे कि वो बीम धीरे धीरे क्रैक्स होने लग जाएगा उसमें क्रैक्स या फ्लैक फ्रैक्चर्स आने लग जाएंगे यही सिचुएसन्स हमारी कहलाती है क्रीपिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिक कॉन्क्रीट टू सॉलिड स्टेज इज कोल्ड कंक्रीट का प्लास्टिक स्टेज से सॉलिड स्टेज में कन्वर्जन क्या कहलाता है ऑप्शन ए हाइड्रेशन ऑप्शन बी हार्डनिंग ऑप्शन सी सेटिंग या ऑप्शन डी क्योरिंग देखिए हाइड्रेशन तो होगा नहीं हार्डनिंग हो सकता है नहीं भी हो सकता है सेटिंग हो सकता है नहीं हो सकता है और डी क्योरिंग भी नहीं होगा देखिए जब कॉन्क्रीट की जब आप पोरिंग कर देते हैं तो कॉन्क्रीट की पोरिंग करने के बाद जब उसका फाइनल सेटिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है तो कंक्रीट में फाइनल सेटिंग टाइम के बाद किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है इंप्रेशंस नहीं आते हैं ऐसी सिचुएशन हमारी कंक्रीट सेट तो हो जाती है लेकिन वो हार्ड नहीं होती है सॉलिड नहीं होती क्योंकि अगर आप उस पर कोई एक्स्ट्रा लोड अप्लाई करेंगे तो हमारी कॉन्क्रीट ब्रेक हो जाएगी वो देखिए सेट तो है लेकिन हार्ड नहीं है तो इसी जब कॉन्क्रीट को जब सेट हो जाती है तो वो उसकी प्लास्टिक स्टेज कहलाती है और प्लास्टिक स्टेज से जब वो हार्डनिंग स्टेज में जाएगी या सॉलिड स्टेज में जाएगी तो इस सिचुएशंस को आप क्या करेंगे तो इसको आप बोलेंगे सेटिंग यानी कि वो अपनी फाइनल सेटिंग टाइम से और आगे बढ़ रही है और सॉलिड स्टेज की ओर जा रही है तो ये हमारा सेटिंग कहलाता है और जब सेटिंग हो जाएगी तो सेटिंग होने के बाद देखिए क्या होता है कॉन्क्रीट की जो हार्डनिंग की प्रोसेस है वो आपकी कई सालों तक चल सकती है जरूर नहीं कि वो ट्वेंटी एज तक ही चले ठीक है ट्वेंटी एट डेज तक ही चले ट्वेंटी एट डेज के अदर वो आपकी एक साल दो साल तक भी कॉन्क्रीट की हार्डनिंग होती रहती है इसलिए हार्डनिंग यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सेटिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द कोर्स एग्रीगेट विच पोसेज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड इंटरलॉकिंग आर कोर्स एग्रीगेट जिसकी इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है किस प्रकार का शेप होगा तो उसकी इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होगी ऑप्शन ए राउंडेड एग्रीगेट की ऑप्शन बी एलोंगेटेड एग्रीगेट की ऑप्शन सी एंगुलर सेप एग्रीगेट की या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब तो सही आंसर है ऑप्शन सी एंगुलर शेप अगर एग्रीगेट है आपका तो उसकी इंटरलॉकिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट इन ए सीमेंट कॉन्क्रीट अगर हम सीमेंट कॉन्क्रीट में वाटर कंटेंट बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा नंबर वन इंक्रीज वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी या नंबर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो इसमें से सही क्या है तो ऑप्शन ए सही है वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी ऑप्शन बी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ऑप्शन सी नंबर वन और नंबर टू यानी वर्केबिलिटी बढ़ेगी स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी या ऑप्शन डी ना तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना वर्केबिलिटी बढ़ेगी तो अगर हम उसका वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रीज वर्केबिलिटी क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है स्लम टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन ए सर्ंकेज ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स बी क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट सी वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स या डी साउंडनेस ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स तो वेल well नोन है आपके लिए कि स्लंभ जो टेस्ट होता है वो हम सीमेंट कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर सी वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स को टेस्ट करने के लिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टीन वाइल्ड डिटरमाइनिंग द वर्बिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स द कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट ब्लैंक देन द स्लम कॉन्टेस्ट यानी जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है वो स्लम कॉन्टेस्ट की तुलना में कब डिटरमाइन करेंगे जब सीमेंट कॉन्क्रीट आप वर्क कर रहे हैं उसकी वर्कुलबिल वर्कबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं तो कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट स्लम कॉन्टेस्ट की तुलना में कैसा है ए लेस एक्यूरेट बी मोर एक्यूरेट सी अप्रोक्सीमेट मेथड या डी नन ऑफ दी अबॉब देखिए तो जो आपका कॉम्पेक्शन फैक्टर का जो टेस्ट होता है फ्रेंड्स वो सलम कौन टेस्ट की तुलना में मोर एक्यूरेट माना जाता है यानी कि अगर कॉम्प्रेशन फैक्टर टेस्ट आप कर रहे हैं तो आप सलम कौन टेस्ट को अवॉइड कर सकते हैं ये स... कॉम्प्रेशन फैक्टर टेस्ट आपका ज़्यादा मोस्ट most... इफ़ेक्टिव ऑप्शन है आपकी एक्यूरेट वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए इसलिए बी मोर एक्यूरेट इसका सही आंसर होगा जनरली जो लो स्लम कंक्रीट होती हैं जैसे पी होता है या डी होता है तो वहाँ पर हमें कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ही करना होता है वर्केबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए इसलिए सही आंसर बी मोर एक्यूरेट कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट मोर एक्यूरेट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशो इज डिटरमाइंड बाय लो वाटर सीमेंट रेशो वाला जो वर्केबिलिटी कॉन्क्रीट है उसकी वर्केबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ए टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट बी सलमकोन टेस्ट सी कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट या डी फ्लैक्जरल स्ट्रेंथ टेस्ट तो लो वर्केबिलिटी कॉन्क्रीट के लिए हम या लो वाटर सीमेंट रेशो कॉन्क्रीट के लिए हम कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट करेंगे उसकी वर्केबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इफ द स्लम्प ऑफ ए कॉन्क्रीट मिक्स इज फिफ्टी टू हंड्रेड एम एम इट्स वर्केबिलिटी इज ए वेरी लो बी लो सी मीडियम या डी हाई तो जो फिफ्टी टू हंड्रेड एम एम वर्केबल या स्लम्प वैल्यू वाली जो कॉन्क्रीट कहलाएगी वो हमारी मीडियम टाइप की वर्केबिलिटी है यानी ऑप्शन सी इसका मीडियम ऑप्शन सबसे राइट आंसर होगा यानी फिफ्टी टू हंड्रेड एम अगर स्लम्प है तो हम मीडियम वर्केबल कॉन्क्रीट कहेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ए कॉम्पेक्शन फैक्टर ऑफ जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंडिकेट्स वर्केबिलिटी अगर हमारा कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट किया है और इसकी वैल्यू आई है जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन ए वेरी लो ऑप्शन बी लो ऑप्शन सी मीडियम या ऑप्शन डी हाई तो कॉम्पेक्शन फैक्टर जीरो पॉइंट सेवन फाइव वेरी लो वर्केबल कॉन्क्रीट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मीजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडियंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन इज नोन एज क्वेश्चन क्या है द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मीजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन इज नोन एज क्रीट सीमेंट कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे उसका सैंड है एग्रीगेट है सीमेंट है उसका प्रोपोर्शन की यूनिफॉर्मिटी को आप क्या कहेंगे या किस नाम से जानी जाती है तो ऑप्शन ए क्योरिंग ऑप्शन बी मिक्सिंग ऑप्शन सी ग्रेडिंग या ऑप्शन डी बेचिंग तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन डी बेचिंग जो इन्ग्रीडियंट्स हैं उसके सीमेंट है सैंड है एग्रीगेट है उनके मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट को हम बोलते हैं बेचिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री फॉर कॉम्पैक्टिंग प्लेन कॉन्क्रीट रोड सरफेस ऑफ थिकनेस लेस देन ट्वेंटी सेंटीमीटर द फॉलोइंग वाइब्रेटर इज यूज अगर हमारी जो कॉन्क्रीट स्लेब है या रोड सरफेस है उसकी थिकनेस है ट्वेंटी सेंटीमीटर से कम तो किस प्रकार का वाइब्रेटर हमारा मेनली यूजफुल होगा ए इंटरनल वाइब्रेटर बी स्क्रीड वाइब्रेटर सी फॉर्म वाइब्रेटर या डी नॉन ऑपथी अब अब तो सही आंसर होगा इसके लिए फॉर्म वाइब्रेटर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर आर सी सी शुड बी एज पर आई एस फोर फिफ्टी सिक्स टू थाउजेंड के अनुसार आर सी सी के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कौन सी होगी तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एम टेन ऑप्शन बी एम फोर्टीन ऑप्शन सी एम ट्वेंटी या ऑप्शन डी एम ट्वेंटी तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी एम ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ए कॉन्क्रीट मास्क कंटेनिंग फाइव परसेंट ऑफ बॉइड्स अगर किसी कॉन्क्रीट में पाँच परसेंट एयर बॉइड्स हैं तो ऑप्शन ए इंक्रीज इज स्ट्रेंथ बाय थर्टी परसेंट ऑप्शन बी रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ बाय थर्टी परसेंट या ऑप्शन सी इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ बाय फाइव परसेंट या ऑप्शन डी रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ बाय फाइव परसेंट अगर किसी क्वीट में एयरबॉर्ड्स हैं तो ये तो आपको तय है कि इसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी अब कितनी कम हो जाएगी तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन बी रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ बाय थर्टी परसेंट यानी तीस परसेंट एयरबॉइड तीस परसेंट स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर हमारी क्वीट में फाइव परसेंट एयरबॉइड्स होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स इज डिटरमाइंड बाय कॉन्क्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो किस किस प्रकार से टेस्ट की जाती है डिटरमाइंड की जाती one, है क्वेश्चन नंबर वन कौन टेस्ट से ऑप्शन टू है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से या ऑप्शन थ्री वी 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 टेस्ट से तो इसके लिए ऑप्शन कौन कौन से सही हो सकते हैं ऑप्शन ऑप्शन ए स्लम्पकॉन टेस्ट ऑप्शन बी कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑप्शन सी स्लम्प और कॉम्पैक्शन टेस्ट दोनों या ऑप्शन टी स्लम्प कॉम्पैक्शन और वी वी टेस्ट ये तीनों तो जो सलम्प कॉन् टेस्ट कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और वी बी टेस्ट ये तीनों टेस्ट हमारी कॉम्पैक्शन माफ कीजिए वर्कबी को डिटरमाइन करने के लिए किए जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हाई स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर ए वाटर सीमेंट रेसो ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेसो की रिक्वायरमेंट क्या होती है तो इसके लिए देखिए वाटर सीमेंट रेशो जितना कम होता है स्ट्रेंथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी अधिक मानी जाती है तो अगर हमारा जो वाटर सीमेंट रेशो है वो ऑप्शन बी हम लें जीरो पॉइंट टू फाइव से जीरो पॉइंट थ्री के बीच में अगर वाटर सीमेंट रेशो हम लेके चल रहे हैं तो हमारी जो कंक्रीट है वो हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट डिजाइन कर सकते हैं इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीरो पॉइंट टू फाइव से जीरो पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वन क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट वेट एक क्यूबिक मीटर अगर सीमेंट का वॉल्यूम है तो उसका वेट कितना होगा तो इसके लिए सही आंसर आप जानते हैं ऑप्शन सी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी के जी यानी एक क्यूबिक मीटर सीमेंट में चौदह चालीस किलोग्राम सीमेंट होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इन वर्किंग स्ट्रेस मैथड ऑफ डिजाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट एंड स्टील रेस्पेक्टिवली एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट एंड स्टील रेस्पेक्टिवली देखिए कॉन्क्रीट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ब्रिज होते हैं स्लैब्स होते हैं कॉलम्स होते हैं बीब्स होते हैं तो इसके लिए आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेज मेथड दो टाइप से जिसको डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर बात करें तो कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए कितना लिया जाता है तो ऑप्शन है ए 3.0 एंड 1.8 यानी कंक्रीट के लिए 3.0 और स्टील के लिए B, 1.8 ऑप्शन बी 3.0 एंड 1.18 ऑप्शन सी 3.0 एंड 1.15 ऑप्शन डी 1.5 एंड 1.5 तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन ए कंक्रीट के लिए 3.0 और स्टील के लिए 1.8 गुना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्वेश्चन नंबर 30। इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील रेस्पेक्टिवली आर इसी प्रकार से लिमिट स्टेट मेथड में अगर हम डिजाइन कर रहे हैं किसी भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए तो कॉन्क्रीट और स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितना लेना है लिमिट स्टेड मेथड में तो ऑप्शन ए है 3.0 एंड 1.8 ऑप्शन बी 1.5 एंड 1.8 ऑप्शन सी 1.5 एंड 1.15 ऑप्शन डी 1.5 एंड 1.5 तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन सी कंक्रीट के लिए 1.5 पॉइंट गुना और स्टील के लिए 1.15 पॉइंट गुना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं हम लिमिट स्टेट मेथड में तो फ्रेंड यहाँ पर एक सवाल आता है कि अक्सर हमें अगर स्ट्रक्चर मोर सेफ डिज़ाइन करना है तो वहाँ पर हम वर्किंग स्टेट मेथड को कई बार कंसीडर करते हैं और लेकिन हमें जो स्ट्रक्चर वो इकोनॉमिकल डिजाइन करना है तो वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हैं वहाँ पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तुलना में थोड़ा सा कम लिया जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे आते हैं द टेंसल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट ब्लैंक ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी जो टेंसल स्ट्रेंथ है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन है या कितनी होती है ये पूछना चाह रहे हैं तो इसके लिए ऑप्शन है ए टेन परसेंट टू फिफ्टीन परसेंट बी थर्टी परसेंट टू फोर्टी परसेंट सी फिफ्टी परसेंट या डी सिक्सटी परसेंट टू सेवेंटी फाइव परसेंट यानी जो कॉन्क्रीट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है या जिसे हम फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ही बोलते हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना में अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए टेन टू फिफ्टीन परसेंट होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इन द मिक्सचर ऑफ कॉन्क्रीट शुड बी मिक्सड फॉर एटलीस्ट अगर हमारे पास कॉन्क्रीट मिक्सर है तो उसमें हम कॉन्क्रीट को कम से कम कितनी देर तक मिक्स करेंगे ऑप्शन ए वन टू टू मिनट्स ऑप्शन बी टू टू थ्री मिनट्स ऑप्शन सी थ्री टू फाइव मिनट्स या ऑप्शन डी फाइव टू सेवन मिनट्स तो ऑप्शन सी थ्री टू फाइव मिनट्स मिनिमम हमें उसको मिक्स करना चाहिए कॉन्क्रीट मिक्सचर के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री एज पर आई एस फोर फिफ्टी सिक्स टू थाउजेंड द मैग्जीम साइज ऑफ एग्रीगेट इज ऑप्शन ए वन फोर्थ ऑफ मैगजिमम थिकनेस ऑफ मेंबर ऑप्शन बी वन फोर्थ ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर ऑप्शन सी वन फिफ्थ ऑफ मैग्जिम थिकनेस ऑफ मेंबर या ऑप्शन डी वन फिफ्थ ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर तो इसका सही ऑप्शन है वन फोर्थ ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर जो स्ट्रक्चर है कोई मेंबर है उसकी जो मिनिमम थिकनेस है उसका वन फोर्थ से में अधिक हमारे एग्रीगेट है उसका साइज नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पर आते हैं एज द वर्केबिलिटी इंक्रीजेस कॉम्पैक्शन फैक्टर अगर वर्केबिलिटी बढ़ रही है तो कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑप्शन ए इंक्रीज ऑप्शन बी ऑप्शन ए डिक्रीज होगा कम होगा ऑप्शन बी बढ़ेगा इंक्रीज होगा ऑप्शन सी रिमेन सेम सेम रहेगा या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबअ तो अगर हम कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ाएंगे तो कॉम्पेक्शन फैक्टर भी वहाँ पर बढ़ता हुआ जाएगा यानी अधिक कॉम्पेक्शन फैक्टर रहेगा तो कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी भी अधिक हो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ सीमेंट ब्लैंक विल टेक प्लेस यानी कि जब सीमेंट कंक्रीट की हार्डनिंग होगी प्रोसेस हार्डनिंग की प्रोसेस होगी तो क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी क्या हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन ए ब्लीडिंग होगा ऑप्शन बी सेग्रीसन होगा ऑप सेग्रीगेशन होगा ऑप्शन सी हाइड्रेशन होगा या ऑप्शन डी आल ऑफ दब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑप्शन सी हाइड्रेशन के कारण हाइड्रेशन के प्रोसेस के कारण जो कॉन्क्रीट की है हार्डनिंग की प्रोसेस होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ड्यू टू ब्लीडिंग एक्शन कॉन्क्रीट बिकम अगर कॉन्क्रीट में ब्लीडिंग हो रही है तो कॉन्क्रीट कैसी हो जाएगी ऑप्शन ए वीक हो जाएगी ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ऑप्शन सी हार्ड हो जाएगी ऑप्शन सी ड्यूरेबल हो जाएगी अगर कॉन्क्रीट में ब्लीडिंग हो रही है ब्लीडिंग का सीधा सीधा लेना होता है हमारे वाटर सीमेंट रेशो से अगर वाटर सीमेंट रेशो अधिक है तो कॉन्क्रीट में ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो ऐसी सिचुएशन में हमारी कॉन्क्रीट है वीक हो जाएगी इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉन्क्रीट वीक होगी थर्टी फोर नंबर है अबाउट सेवेंटी परसेंट टू एट्टी परसेंट ऑफ सीमेंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट ऑप्शन बी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट ऑप्शन सी ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट या ऑप्शन डी ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम फेराइट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी जो सीमेंट में सेवेंटी टू एट्टी परसेंट जो पार्ट्स अगर हम देखें तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट का होता है फ्रेंड एक क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इन द मिक्सचर द कॉन्क्रीट शुड बी मिक्सड फॉर लीस्ट मिनिमम टू टू थ्री मिनट्स तक हमें कॉन्क्रीट को मिक्स करना चाहिए इसका पहले ऑप्शन मैंने आपको थ्री टू फाइव मिनट्स बताया था जो कि ऑप्शन बी टू से तीन दो से तीन मिनट तक सफिशेंट होता है मिनिमम इतना मिक्स हमें करना ही चाहिए कॉन्क्रीट को मिक्सर के अंदर कई बार ये जो कॉन्क्रीट का मिक्सर है उसकी सेप साइज़ और उसकी कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है लेकिन फिर भी मिनिमम कैसा भी मिक्सचर हो आपका कैसा भी मिलर हो दो से तीन मिनट आपको उसमें मिक्स करना ही है वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इन फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट रेसिड्यू लेफ्ट ऑन आई एस सी नंबर नाइन सेल नॉट एक्सीड बाय वेट ऑफ द सैंपल ऑफ सीमेंट जब आप सीमेंट का फाइनेस टेस्ट करेंगे फ्रेंड तो जो सीब नंबर नाइन है जिससे हम नाइन्टी माइक्रोन की सीब भी बोलते हैं तो इस पर जो रुकने वाला पार्टिकल है या जो रिटर्न पार्टिकल है वो कितना होना चाहिए या जिससे अधिक नहीं होना चाहिए मतलब इन्होंने पूछा है सेल नोट एक्सीड यानी कितने से अधिक नहीं होगा सीमेंट का रेसिड्यू 90 माइक्रोन सीप पर या सीब नंबर नाइन पर तो इसके लिए ऑप्शन है फाइव परसेंट ऑप्शन बी टेन परसेंट ऑप्शन सी फिफ्टीन परसेंट ऑप्शन डी ट्वेंटी परसेंट तो इसके लिए सही आंसर है जो रेसिड्यू रहेगा सीमेंट का सीप नंबर नाइन पर रिटेन या नाइन्टी माइक्रोन आई एस सी पर रिटेन वो हमारा ऑप्शन बी टेन परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए यानी कि मैक्सिमम जो सीमेंट है वो हमारी नाइन्टी माइक्रोन आई एस सी से पास हो जानी चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स फोर रोड पेमेंट्स द सीमेंट जनरली यूज इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बी रेपिड हार्डनिंग सीमेंट सी लोड हीट सीमेंट या डी ब्लास्ट फर्नेसलेक्ट सीमेंट तो इसके लिए सही आंसर फ्रेंड हमारा होगा ऑप्शन ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जनरली आजकल जो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवेज बन रहे हैं वहां पर यूज की जाती है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन फॉर मास कंक्रीट वर्क द टाइप ऑफ सीमेंट प्रीफेरेबल इज ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट सी लो हीट सीमेंट या डी ब्लास्ट फर्नेस सिलेक् सीमेंट तो अगर मास कॉन्क्रीट वर्क जैसे डैम हुए या कैनाल्स हुए जहाँ पर मास कॉन्क्रीट यूज किया जाता है तो वहाँ पर जो सीमेंट होती है वो किस प्रकार की प्रेफर की जाती है तो इसके लिए सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी लो हीट सीमेंट फ्रेंड ऐसा इस लीजिए क्योंकि अगर हम मास कंक्रीट कर रहे हैं तो एक ही जगह पर अधिक बहुत अधिक कंक्रीट कंसंट्रेशन हो जाता है तो वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण सीमेंट कंक्रीट में आपको बहुत सारे डिफेक्ट श्रिंकेज क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे या ड्यू टू श्रिंकेज अभी जो कॉन्क्रीट है उसमें क्रैक्स आने लग जाएंगे तो इसीलिए हम क्या करते हैं लो हीट सीमेंट वहाँ पर यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ली सातेलियर एप्रेटस इज यूज फॉर ली सातेलियर का जो एप्रेटस है वो किस लिए यूज किया जाता है ऑप्शन ए फाइनेस टेस्ट के लिए ऑप्शन बी कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए ऑप्शन सी साउंडनेस टेस्ट के लिए या ऑप्शन डी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए तो सो ली सातेलियर का जो इक्विपमेंट्स होता है फ्रेंड वो सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट यानी ऑप्शन सी साउंडनेस टेस्ट इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इनर्ट मटेरियल ऑफ ए सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स सीमेंट कॉन्क्रीट में इनर्ट मटेरियल क्या होता है यानी ऐसा मटेरियल जो कि रिएक्शन नहीं करता है वो क्या होता है ऑप्शन ए वाटर ऑप्शन बी एग्रीगेट ऑप्शन सी सीमेंट या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो एग्रीगेट जो होता है वो अक्रिय मटेरियल या नॉन रिएक्टिव मटेरियल या इनर्ट मटेरियल हमारा कहलाता है सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स में तो सही आंसर है ऑप्शन बी एग्रीगेट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द सीमेंट बिकम यूजलेस इफ़ इट्स एब्जर्व मॉइस्टर कंटेंट एक्सीज अगर हमारी सीमेंट है उसे मॉइस्चर कंटेंट का जो मॉइस्चर एब्जर्व मॉइस्चर कंटेंट है वो इन दिए हुए ऑप्शन से अधिक हो जाएगा तो हमारा जो सीमेंट है वो यूजलेस हो जाएगा तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए वन परसेंट ऑप्शन बी टू परसेंट ऑप्शन सी थ्री परसेंट या ऑप्शन डी फाइव परसेंट तो इन सभी मॉइस्चर कंटेंट में से कितना मॉइस्चर कंटेंट हम अलाउव करेंगे सीमेंट में तो उसका सही आंसर होगा सो so, अगर सीमेंट का वाटर एबजॉर्ब है जो वाटर एबजॉर्ब मॉइस्चर है सीमेंट में वो पाँच परसेंट से अधिक हो जाएगा तो आपकी सीमेंट है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं इसलिए ऑप्शन डी फाइव परसेंट इसका सही आंसर होगा फिर एक क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स डज नॉट एक्सट जो फाइन एग्रीगेट है जैसे जनरली सेंड होती है सीमेंट कॉन्क्रीट में उसका जो एग्रीगेट साइज है वो मैगजिम कितना अधिक हो सकता है या उससे अधिक नहीं होना चाहिए तो ऑप्शन ए 2.75 पॉइंट mm से ऑप्शन बी 3.75 पॉइंट mm, ऑप्शन सी ऑप्शन बी 3.75 पॉइंट ऑप्शन सी 4.75 पॉइंट या ऑप्शन डी 5.75 पॉइंट तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी जो फाइन एग्रीगेट है उसका एग्रीगेट साइज 4.75 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा यही रहती है फ्रेंड कि वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए करें जिससे मुझे क्या होगा आगे और भी मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो बनाने के लिए इसलिए वीडियो को आप जरूर लाइक कर देना फ्रेंड के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड फिर से वही क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम आगे बढ़ते हैं स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री देखते हैं मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड एट द एज ऑफ थ्री डेज फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ ग्रेड थर्टी थ्री एज हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या ओ सीमेंट है और तीन दिन बाद हम सीमेंट कंक्रीट जो सीमेंट है यहाँ सीमेंट कंक्रीट की बात नहीं हो रही सिर्फ सीमेंट है ओपीसी ग्रेड थर्टी थ्री उसकी स्ट्रेंथ तीन दिन बाद कितनी होनी चाहिए तो ऑप्शन ए वन पॉइंट वन फाइव न्यूट्रन पर एम एम स्क्वायेयर ऑप्शन बी एलेवन पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायेयर ऑप्शन सी टू पॉइंट वन न्यूट्रन पर एम एम स्क्वायेयर या ऑप्शन डी ट्वेंटी वन न्यूट्रन पर एम एम स्क्वायोयर तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11.5 पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए ओ पी सी ग्रेड फोर्टी थ्री ओ पी सी ग्रेड थर्टी थ्री सीमेंट के लिए तीन दिन में अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर भी लगभग ही ये टाइप हो गया तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव देखते हैं द बॉन्ड स्ट्रेस फॉर डिफॉर्म्ड वार इज मोर देन दैट इन प्लेन वार्स डिफॉर्म बार या जिसे हम आजकल जो यूज किए जाते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट में रिब्ड वार भी, भी जिसको हम बोलते हैं तो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो प्लेन वार्स की तुलना में कितनी अधिक होती है ऑप्शन ए ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑप्शन बी फोर्टी परसेंट ऑप्शन सी सिक्सटी परसेंट ऑप्शन डी फिफ्टी परसेंट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फोर्टी परसेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स अकॉर्डिंग टू IS 456, maximum water cement मैगजिम वाटर सीमेंट IS शुड बी के अकॉर्डिंग maximum वाटर सीमेंट रेशो कितना होना चाहिए कितना हम अलाउ कर सकते हैं ए 0.45 तक बी 0.55 तक सी 0.65 तक या डी 0.75 तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0.55 से अधिक वाटर सीमेंट रेशो हम कॉन्क्रीट में नहीं ले सकते क्वेश्चन नंबर फोटी सेवन अकॉर्डिंग टू आई एस फोर फिफ्टी सिक्स टू थाउजेंड द मैगजिमम सीमेंट कंटेंट एक्सक्लूसिव ऑफ एडमिक्सचर अगर सीमेंट मैक्मम किसी भी सीमेंट कॉन्क्रीट को हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें एडमिक्सचर को हटा दिया जाए तो हम कॉन्क्रीट जो सीमेंट की वैल्यू है जो सीमेंट मिक्स करना चाह रहे हैं वो हम मैक्मम कितना ले सकते हैं ऑप्शन ए टू हंड्रेड के जी पर क्यूबिक मीटर तक ऑप्शन बी 300 हंड्रेड पर क्यूबिक मीटर तक ऑप्शन सी 450 फिफ्टी पर क्यूबिक मीटर तक या ऑप्शन डी 550 फिफ्टी पर क्यूबिक मीटर तक तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी 450 फिफ्टी पर क्यूबिक मीटर मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट हम कॉन्क्रीट की डिजाइन के लिए ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अकॉर्डिंग टू आई एस मिनिमम सीमेंट कंटेंट इंक्लूसिव ऑफ एड मिक्सचर आई एस फोर फिफ्टी सिक्स के अकॉर्डिंग मिनिमम सीमेंट कंटेंट कॉन्क्रीट में कितना होना चाहिए एक, अगर एडमिक्सचर को हम हटा दें तब तो ऑप्शन ए टू हंड्रेड के जी पर क्यूबिक मीटर ऑप्शन बी थ्री हंड्रेड के जी पर क्यूबिक मीटर ऑप्शन सी फोर फिफ्टी के जी पर क्यूबिक मीटर या ऑप्शन डी फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी के जी पर क्यूबिक मीटर तो इसका राइट आंसर होगा थोड़ा सा मिस्टेक होगा फ्रेंड यहाँ पर लिखा है इंक्लूसिव ऑफ एड मिक्सर यानी कि एड मिक्सचर को साथ में अगर हम मिला लें तो सीमेंट कंटेंट हम मिनिमम कितना रख सकते हैं तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 300 हंड्रेड पर क्यूबिक मीटर मिनिमम सीमेंट कंटेंट हमें कॉन्क्रीट की डिजाइन के लिए चाहिए होगा क्वेश्चन नंबर 49 लैब स्प्लाइसिंग आर नॉट यूजुअली अलाउड और वार मोर देन डाया ए 25 एमएम mm, बी 32 एमएम mm, सी 36 एमएम mm, या डी नन ऑफ दी अब यानी स्प्लाइसिंग मतलब क्या होता है फ्रेंड ओवरलैप जो करते हैं हम बार का स्टील बार्स का जब आप स्लेब सरिया बांधेंगे बीम बांधेंगे कॉलम बांधेंगे तो कई बार आपका जो सरिया होता है बारह मीटर से अधिक लंबाई की आपकी स्लैब हो सकती है या बीम हो सकता है तो या आपका सरिया छोटा पड़ रहा है तो वहाँ पर आप इसको ओवरलेप कर ले कर सकते हैं लेकिन अगर आपका जो डाया है स्टील का वो ऑप्शन सी 36 सिक्स एम एम से अधिक है डाया स्टील का तो वहाँ पर आपको ओवर अलाउ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर फिर आपको अगर आपको वहाँ पर लैप करने की आवश्यकता पड़ भी रही है तो फिर आपको वहाँ पर कपलर का यूज करना होगा लेकिन ओवरलैप आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर फिफ्टी मिनिमम नंबर्स ऑफ बार फोर ए सर्कुलर कॉलम्स यदि एक सर्कुलर कॉलम हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम बार्स कितने होने चाहिए ऑप्शन ए फोर ऑप्शन बी फाइव ऑप्शन सी सिक्स ऑप्शन डी एट ये तो एक सर्कुलर कॉलम के लिए मिनिमम सिक्स नंबर्स ऑफ मेन बार वहाँ पर हमें देना होते हैं ओके फ्रेंड तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे होंगे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस के लिए वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और दूसरे फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना ठीक है फ्रेंड चलता हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही और हमें टेलीग्राम चैनल हाईवे इंजीनियरिंग पर भी जरूर ज्वाइन करना जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दिया है ओके फ्रेंड चलता हूँ टाटा टेक केयर एंड गुड बाय